गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपन चैप्टर फर्स्ट में यूनिट सेकंड में मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन के चैप्टर नंबर फर्स्ट की यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड का जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें अपन ने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। इससे जो पहले वाली क्लास हुई थी अपन ने उसमें टक्कर को डिफाइन किया था कि कॉलिजन क्या होता है, कॉलिजन कितने टाइप्स की होती है, प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज अपन जो करने वाले हैं वो है अपने पास एल फ्रेम एंड सी फ्रेम। आज अपन जो भी बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, एल फ्रेम की और सी फ्रेम की। अब इसमें ये किस कोई भी निर्देश तंत्र होता है उस निर्देश तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो यहाँ पर मैंने बोला है कि मुझे पढ़ना तो क्या है, टक्कर पढ़ना है। क्या पढ़ना है मुझे, टक्कर या कॉलिजन पढ़ना है। बट कॉलिजन को पढ़ने के लिए तो मुझे पता है कि किसी भी पार्टिकल की स्थिति की व्याख्या करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है, निर्देश तंत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो निर्देश तंत्र की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें कौन सा निर्देश तंत्र काम आएगा, तो ये एक तो एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम आता है, एक सी फ्रेम रेफरेंस काम आता है। तो एल निर्देश तंत्र और सी निर्देश तंत्र दोनों ही यूज होते हैं। बट अपन को इसके अंदर जाने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि एल निर्देश तंत्र क्या होता है, सी निर्देश तंत्र क्या होता है। तो अपन पहले डिस्कस करते हैं क्या एल निर्देश तंत्र एंड सी निर्देश तंत्र। तो मुझे पता है कि किसी भी पिंड या निकाय की क्या है अपने पास, किसी भी पिंड या निकाय की, यदि मैं किसी भी पिंड या निकाय की स्थिति की बात करूँ तो मुझे पता है कि चाहे कोई भी सिस्टम ले लो, कोई पार्टिकल ले लो, कोई पिंड ले लो, तो उसकी पोजीशन का बारे में मुझे कोई भी डिस्कशन करना है और उसकी स्थिति के बारे में मुझे डिस्कशन करना है, तो सबसे पहले स्थिति की व्याख्या या स्थिति को बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, स्थिति की व्याख्या करने के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, निर्देश तंत्र की। और इसमें निर्देश तंत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी एक को बोला जाता है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और दूसरे को बोला जाता है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। तो दोनों की फुल फॉर्म है अपने पास, इसका तो हो जाएगा प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, ये हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। तो यहाँ पर लिखा हुआ ए रेफरेंस फ्रेम इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए बॉडी और सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो पार्टिकल, पिंड, निकाय, उसके अंदर होने वाली टक्कर, उसके साथ होने वाली अन्योन्य क्रिया, उसके साथ जो भी अपने पास डिस्कशन करना है उसकी पोजीशन के बारे में, तो उसकी पोजीशन का पता लगाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है किसकी, निर्देश तंत्र की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो यहाँ पे निर्देश तंत्र के टू टाइप्स हैं, एक तो इसका जो फर्स्ट वाला जो फुल फॉर्म होगी वो होगा अपने पास प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। इसको अपन लैब फ्रेम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, लैब फ्रेम रेफरेंस। सेकंड है वो है अपने पास क्या, सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सी को बोला जाता है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, सी को क्या बोला जाता है अपने पास, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, ये हो जाएगा अपने पास क्या, सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको मैं बोल सकता हूँ सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो ये इन दोनों की फुल फॉर्म होती है। तो अपने पास जब एक की बात करेंगे वो तो होगा लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, इसी को मैं नाम दूंगा एल निर्देश तंत्र। सेकेंड है अपने पास द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र या सी निर्देश तंत्र। अब अपन एक एक को देखते हैं कि एल निर्देश तंत्र क्या होता है, सी निर्देश तंत्र क्या होता है। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो सबसे पहले अपन जितने भी पार्टिकल अभी तक जो भी अपन क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते आ रहे थे, वो जितनी भी कैलकुलेशन की है ऑलमोस्ट सारी की सारी क्या है, एल निर्देश तंत्र की है। तो मुझे पता है कि कोई भी पार्टिकल को यदि निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से मिलाया जाता है तो मुझे क्या प्राप्त होता है, उसका पोजीशन वेक्टर प्राप्त होता है। और वो पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब वो किस में डिस्कस हो रहा है, वो लैब फ्रेम में डिस्कस हो रहा है। तो जितनी भी मैक्सिमम कैलकुलेशन जो की जाती है वो किस में की जाती है, अपने पास प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में की जाती है या एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में की जाती है। तो एल निर्देश तंत्र क्या होगा अपने पास वो देखना है, ये फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस निर्देश तंत्र को प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं। तो ये मैंने बता ही दिया कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है अपने पास, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसे लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस रेफरेंस सिस्टम इज कॉल्ड लेबोरेटरी फ्रेम, क्या कह सकते हैं अपन, लेबोरेटरी फ्रेम कह सकते हैं।
यह एक सामान्य निर्देश तंत्र होता है जो अपन पहले से डिस्कस अपन निर्देश तंत्र के बारे में जानते हैं, जिसमें तीन अक्सेस होते हैं, उसका सेंटर पॉइंट ओ होता है, तीनों अक्ष एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। तो वो सामान्य क्या होता है, एक सामान्य निर्देश तंत्र होता है, एक जनरल रेफरेंस सिस्टम होता है। क्या होता है अपने पास, एक जनरल रेफरेंस सिस्टम होता है। कोई यदि कोई कण गतिशील अवस्था में उपस्थित हो तो प्रेक्षक के द्वारा उसके वेग का मापन किया जाता है। यदि मैं मान लेता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल वी वेलोसिटी से या किसी वेलोसिटी से सिस्टम के अंदर मूव करता है, यदि मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी है या उसकी मुझे पोजीशन निकालनी है, तो मैं कैसे निकालता हूँ कि कोई भी पार्टिकल को स्थिति पता करता हूँ, यानी आर वेक्टर पता करूँगा। आर वेक्टर कैसे पता करूँगा कि पार्टिकल जहाँ पर रखा होगा उसको मैं निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से मिलाऊंगा, और जब भी वो निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से मिलाऊंगा तो अपने पास क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर मिलेगा, और उसी के बेस पर मैं क्या निकालूंगा, इसकी वेलोसिटी निकालूंगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर यदि कोई पार्टिकल गतिशील अवस्था में उपस्थित हो तो प्रेक्षक के द्वारा उसके वेग का मापन किया जाता है, किसके अंदर, लेफ्ट फ्रेम के अंदर। इस वह एल निर्देश तंत्र भी कहलाता है, वह क्या कहलाता है, एल निर्देश तंत्र भी कहलाता है, यदि किसी निकाय में विभिन्न द्रव्यमान के कण की गणना निर्देश तंत्र के सापेक्ष की जाती है तो वह क्या कहलाएगा, एल निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इफ ए पार्टिकल इज प्रेजेंट इन ए मूविंग स्टेट, यदि कोई पार्टिकल है वो मूविंग स्टेट में है, मूवेबल है, देन इट्स वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के द्वारा किसी की वेलोसिटी मेजर की जाती है तो वो जिस फ्रेम में की जाएगी, तो इट इज कॉल्ड अ एल रेफरेंस सिस्टम, इट इज कॉल्ड अ एल रेफरेंस सिस्टम। इफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मासेज, यानी मैंने कोई सिस्टम ले लिया, वो सिस्टम में बहुत सारे मासेज है, यानी M1, M2, M3 ऐसे बहुत सारे मास हो सकते हैं, तो कोई सिस्टम ले लिया जिसमें बहुत सारे डिफरेंट मासेज इन ए सिस्टम आर इन कैलकुलेटेड रिलेटिव टू द रेफरेंस फ्रेम, देन इट इज कॉल्ड एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं, देखो यदि मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहां पे मैं कोई भी दो एक्सिस ले लेता हूं, ये तो अपन ने ले लिया कोई एक्स एक्सिस, ऐसे ही अपन ने कोई दूसरा ले लिया वाई एक्सिस, ये मैं एक्सिस ले सकता हूं। अब इस एक्सिस में मैं कोई बॉडी बना दूं, तो ये मैंने बॉडी बना दी कि ये अपने पास क्या है? कोई सिस्टम था, इसमें ये बॉडी थी। अब इस बॉडी में अपने पास बहुत सारे पार्टिकल है, तो मैंने फर्स्ट पार्टिकल का नाम दे दिया कि मेरे पास जो भी पार्टिकल है वो अपने पास है M1, ये वाला जो पार्टिकल है वो M1 है, ये वाला पार्टिकल है वो M2 है, ये वाला पार्टिकल है वो M3 है, और ये वाला पार्टिकल है वो क्या है अपने पास, MN या MI है। अब यदि मैं कहता हूँ कि इतने सारे पार्टिकल है एक ही बॉडी में, तो इस पार्टिकल का जो भी मुझे पोजीशन निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, जो सेंटर ऑफ ये अपने पास निर्देश तंत्र का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से मैं इसको मिलाऊंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, इसका पोजीशन वेक्टर मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एक तरीके से, तो मैं कह सकता हूँ कि अपने पास जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा वो किस बेस पे मिलेगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो M1 के लिए ड्रॉ होगा वो ये हो जाएगा, क्लियर। ऐसे अपने पास जो दूसरा ड्रॉ होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास पोजीशन वेक्टर का, M2 के लिए हो जाएगा। ऐसे ही जो थर्ड होगा वो किसके लिए हो जाएगा अपने पास, M3 के लिए हो जाएगा। और ऐसे ही अपने पास जो फोर होगा वो किसके लिए हो जाएगा, MN के लिए हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये सारी पोजीशन अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी अपने पास R1, इसकी जो पोजीशन है वो R2, इसकी पोजीशन R3 और इसकी पोजीशन RN, और सारी क्या होगी अपने पास, वेक्टर टर्म होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो कंसेप्ट होता है, यानी अपने पास एक नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, वही क्या होता है अपने पास, एल फ्रेम होता है। तो इसमें यदि कोई भी पार्टिकल की टक्कर पड़ी जाएगी तो वो भी इसी बेस पे पड़ी जाएगी कि कोई सिस्टम है, कोई बॉडी है, कोई निकाय है, उसको यदि मैं निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से मिला लूँ तो मेरे पास क्या बनता है, उसकी पोजीशन प्राप्त होती है। पोजीशन के बेस पर मैं उसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, टक्कर होने की कंडीशन निकाल सकता हूँ, एक्सीलरेशन निकाल सकता हूँ, सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। तो जो भी ये वाला डिस्कस करेंगे वो सारा का सारा किस में आएगा अपने पास, एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा। तो एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम नया है, बट निर्देश तंत्र वही है जो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी अभी तक अपन निर्देश तंत्र की बात कर रहे थे वो सारे के सारे निर्देश तंत्र क्या है अपने पास, एल निर्देश तंत्र ही है, क्लियर। सेकंड बात करेंगे अपन सी निर्देश तंत्र की। तो सेकंड होता है सी निर्देश तंत्र, जिसे मैं बोलता हूँ द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। इसमें क्या होगा कि यदि किसी पिंड या निकाय के द्रव्यमान केंद्र, अब मुझे पता है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि किसी भी बॉडी या कोई सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है, उस सेंटर ऑफ मास को मैं एल निर्देश तंत्र के सेंटर पॉइंट से मिला दूँ, तो मेरे पास किसका निर्माण होगा, सी निर्देश तंत्र का निर्माण होगा। कैसे,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी बॉडी हो जाए, कोई निकाय हो, उसके द्रव्यमान केंद्र की बात करती है। उससे किसकी बात करती है अपने पास, सेंटर ऑफ मास की बात करती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि किसी पिंड या निकाय के द्रव्यमान केंद्र को निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से जोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है, जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उसको एल निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा अपने पास, सी निर्देश तंत्र कहलाएगा। तो जिसमें वो कैलकुलेशन की जाएगी वो क्या कहलाएगा अपना, सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। सी निर्देश तंत्र को द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसका जो दूसरा नाम है वो है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। और इस निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में होता है। तो यानी RCM द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश होता है वो मुझे पता है क्या होता है, RCM होता है। यदि ये विराम अवस्था में मानते हैं इसका मतलब इसके VCM भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको इसलिए क्या बोला जाता है, इसका VCM जीरो होने के कारण, विराम अवस्था में होने के कारण VCM जीरो है, और VCM जीरो होने के कारण इसको शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहा जाता है। VCM जीरो हो गया इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि इसे क्या बोला जाएगा, शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहा जाएगा। तो इफ़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी और सिस्टम इज कनेक्टेड टू द ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस सिस्टम देन इट्स इज कॉल्ड सी रेफरेंस सिस्टम। सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, सी फ्रेम रेफरेंस को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी बोलते हैं। इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। यदि सेंटर ऑफ मास किसी का रेस्ट में होता है तो दैट इज VCM विल बी जीरो। तो VCM भी क्या होगा अपना, जीरो होगा। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। पहले अपन क्या बनाएंगे, इसका एल फ्रेम बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या बना लिया, कोई एक्सिस बना लिया, ये क्या हो गया, कोई एक्सिस हो गया। अब यदि मैं इसमें किसी बॉडी की बात करूं तो इसमें ये मैंने बॉडी बना ली, क्या बना लिया, ये मैंने कोई बॉडी बना ली। और इस बॉडी में बहुत सारे मास है, यानी कितने मास है, वही M1 M2 M3 ऐसे करके बहुत सारे मास है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कि ये M1 मास था, ये वाला M2 था, और ये वाला कितना था, M3 था, और ये वाला कितना था अपने पास, MN था। और मैंने बोल दिया कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है ये क्या है, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ये कंप्लीट बॉडी या सिस्टम या कोई निकाय है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और वो विभिन्न मासों से मिलकर बनाए। अब यदि मैंने M1, M2, M3 को निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से मिलाया था और उसकी पोजीशन प्राप्त की थी R1, R2, R3, RN, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ था, L निर्देश तंत्र प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि M1, M2, M3, M4, MN पार्टिकल है, कितने पार्टिकल है अपने पास, MN पार्टिकल है, और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे रखा हुआ है, यानी किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो इस सेंटर ऑफ मास को यदि मैं निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से मिलाऊं, इस सेंटर ऑफ मास को निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से मिलाऊं तो ये क्या होगा अपने पास, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला क्या कहलाएगा अपना, RCM कहलाएगा। क्या कहलाएगा अपने पास, ये वाला RCM कहलाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली पोजिशन क्या हो जाएगी अपने पास, RCM, ये RCM वेक्टर हो जाएगा। और ये भी क्या होना चाहिए, रेस्ट में। यदि कोई ये VCM या उसका द्रव्यमान केंद्र है वो रेस्ट में है, इसका मतलब उसका VCM भी कितना आएगा, जीरो आएगा। VCM जीरो है तो उसका मोमेंटम जीरो आएगा, मोमेंटम जीरो होने के कारण इसका नया नाम आएगा शून्य संवेग निर्देश तंत्र या जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे अपने पास जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा कि कोई बॉडी ले ली, बॉडी का कोई सेंटर ऑफ मास ले लिया, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, CM, ये कोई पॉइंट था इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। अब मुझे पता है कि यदि मैं M1 पार्टिकल को, यदि मुझे पता है कि मैं M1 पार्टिकल को यदि इससे मिलाऊं, किससे, इन वाले पार्टिकल से, तो ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास, इसमें ये हो सकता है कि यदि मैं इनको मिलाऊं तो एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा पार्टिकल के लिए ये हो जाएगा, ऐसे ही nवें पार्टिकल के लिए ये हो जाएगा। अब इन सब की डिस्टेंस भी पता है कि द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट में M1 पार्टिकल की पोजीशन होगी तो वो क्या होगी, RCI होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका स्थिति सदिश है जो क्या होता है, RCI, पहले अपन ने देखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास क्या, RC1, ये हो जाएगा RC2, ये हो जाएगा RC3, और ये हो जाएगा RCN। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास,
कि ये वाला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि जिसमें मैंने कोई बॉडी ले ली, बॉडी में मैंने कोई सेंटर ऑफ मास ले लिया, उस सेंटर ऑफ मास को किसी निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से मिला दिया, तो मेरे पास किसका निर्माण हो गया? शून्य संवेग निर्देश तंत्र या सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का निर्माण हो गया। ये इसका क्या कहलाता है? सेंटर पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पे सी फ्रेम में यही लिखा हुआ था कि यदि कोई पिंड या निकाय होता है उसका द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास को निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से जोड़ दिया जाए या मिला दिया जाए तो वह सी निर्देश तंत्र कहलाता है। और इसका द्रव्यमान केंद्र, इसको द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका बी सी एम जीरो होगा, और बी सी एम जीरो होगा तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो होगा। तो ये अपने पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, एक तो एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक था अपने पास सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जनरली फ्यूचर में यही याद रखना है कि जनरली इसका जो सिंपल सा कंसेप्ट है कि पार्टिकल को यदि मैं निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट से मिलाऊं या उसकी पोजीशन निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में प्राप्त करूं तो वो एल निर्देश तंत्र है, और किसी भी बॉडी को द्रव्यमान केंद्र को यदि मैं निर्देश तंत्र से मिलाऊं तो वो क्या बनेगा? आपका सी निर्देश तंत्र बनेगा। तो अपन दोनों में कैलकुलेशन करेंगे, इसमें भी करेंगे और एल में भी करेंगे। तो इसके आगे अपना एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है सी निर्देश तंत्र में सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। क्या है अपने पास? सी निर्देश तंत्र में सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। अब ये कौन सी टक्कर होती है? सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ सी निर्देश तंत्र की, और मुझे पता है कि सी निर्देश तंत्र में यदि मुझे सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर की स्टडी करनी है तो सी निर्देश तंत्र होगा। उसमें क्या लेना है अपन को कि सी निर्देश तंत्र यानी उसका मोमेंटम जीरो, वी सी एम जीरो, आर सी एम रेस्ट में, और यहाँ पे लिखा है कि सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब होता है कि एक पार्टिकल दूसरे से आमने सामने की ओर टक्कर करता है। अब आमने सामने जरूरी नहीं कि ये दोनों पार्टिकल ऐसे ही आ रहे हैं यही सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर हो, ये पार्टिकल यहाँ से जाके टक्कर कर सकता है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे जाके टक्कर कर सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जनरली ये मानते हैं कि दोनों की टक्कर होती है वो आमने सामने होती है। तो कल अपन ने देखा था प्रत्यास्थ टक्कर में कि जब भी कोई टक्कर आती है और वापस ऐसे चली जाती है तो वो भी क्या है? अपने पास एक सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर है। तो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करना है और इसके बेस पे कुछ रिजल्ट्स निकालना है। और सबसे पहले रिजल्ट्स में अपन ये निकालेंगे कि जब भी कोई सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो वो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में उसका मोमेंटम या उसकी वेलोसिटी क्या मिलती है? जीरो मिलती है। ये अपन पहले सबसे पहले प्रूफ करने वाले हैं। तो बात करते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की। डेरिवेशन में सबसे पहले अपन को ये मानना है कि कौन से पार्टिकल में कौन सी वेलोसिटी कौन से फ्रेम में। तो यहाँ पे मैं पार्टिकल लेता हूँ, फर्स्ट ले लिया मैंने क्या? M1 पार्टिकल। फर्स्ट मैंने क्या ले लिया? कोई A पार्टिकल ले लिया। सेकंड मैंने ले लिया कोई B पार्टिकल ले लिया। क्या ले लिया मैंने? फर्स्ट A पार्टिकल ले लिया, सेकंड B पार्टिकल ले लिया। टक्कर के बाद भी वो पार्टिकल A ही रहेगा और टक्कर के बाद भी वो पार्टिकल क्या रहेगा? B ही रहेगा। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है कि अपने पास जो पार्टिकल लिया है वो A और B। अब यहाँ पे मैं इसका मास मान लेता हूँ कि इसका जो मास है वो तो है M1, इसका मास है वो है M2, इसका मास है वो है M1 और इसका मास है वो है अपने पास M2। तो मास कभी भी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे A और B दो पार्टिकल लिए हैं तो उन दोनों का जो मास है, उन दोनों का द्रव्यमान है वो M1 M2 है, और टक्कर के बाद भी इनका द्रव्यमान कितना रहता है? M1 M2 रहता है। अब यदि मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूँ, किसके अंदर? L फ्रेम के अंदर। तो इसकी मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ कि टक्कर से पहले की वेलोसिटी की बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास U1, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी U2, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी V1 और ये हो जाएगा अपने पास V2। और ये कौन से फ्रेम में वेलोसिटी मानी गई है? ये मानी गई है अपने पास L फ्रेम में। किस में मानी गई है? L फ्रेम में। तो ऐसे ही अपने पास ये तो मानी गई L फ्रेम में वेलोसिटी, और दूसरी क्या है अपने पास? C फ्रेम की वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा U1 डैश, ये हो जाएगा U2 डैश, ये हो जाएगा अपने पास V1 डैश और ये हो जाएगा V2 डैश। और कौन से फ्रेम में? C फ्रेम में। क्या हो जाएगा? C फ्रेम में वेलोसिटी ये हो जाएगी। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसकी मैं थ्योरी भी बना ले के लिख सकता हूँ। माना कि दो पार्टिकल A और B जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1 और M2 है, दोनों आपस में एक दूसरे से सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, और सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर करने का मतलब है वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आएगा और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी मिलेगा और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मैं थ्योरी में लिख सकता हूँ कि माना कि दो पार्टिकल A और B जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1 M2 है, टक्कर से पूर्व L निर्देश तंत्र में उसकी वेलोसिटी U1 और U2 है, टक्कर के बाद L निर्देश तंत्र में दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी क्रमशः V1 और V2 है। ऐसे यदि मैं सी फ्रेम की बात करता हूँ तो सी फ्रेम में क्या हो जाएगा कि टक्कर से पूर्व जो
कणों की कणों का वेग है टक्कर से पूर्व सी निर्देश तंत्र में जो कणों का वेग है वह क्रमशः यू वन डैश और यू टू डैश होगा, वी वन डैश और वी टू डैश होगा। तो इतना कंसेप्ट आप थ्योरी की तीन चार लाइन बना के लिख सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन की। किसकी बात करते हैं? मैथमेटिकल डेरिवेशन की। तो इस मैथमेटिकल डेरिवेशन में अपन को ये देखना है कि सबसे पहले यदि मैं कोई बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एल फ्रेम और सी फ्रेम की, तो सबसे पहले यदि मैं लिख सकता हूँ कि इसका वी सी एम कितना होगा, क्या होगा इसका वी सी एम कितना होगा। तो यदि मैं टक्कर से पूर्व इसके द्रव्यमान केंद्र के वेग की बात करूँ, क्या करूँ मैं टक्कर से पूर्व, तो देखो अपन ने जो केस माना है वो मैं केस वापस यहाँ बना लेता हूँ, स्लाइड चेंज हो गई है। ये अपने पास कोई ए पार्टिकल था, ये अपने पास कोई बी पार्टिकल था, यहाँ पे अपने पास टक्कर के बाद ए पार्टिकल था और टक्कर के बाद क्या था अपने पास बी पार्टिकल था। इसका जो मास मान रखा है वो अपन ने मान रखा है क्या एम वन, तो ये वाला मास क्या हो जाएगा एम वन, ये वाला मास एम टू, ये वाला मास भी एम वन और ये वाला मास भी एम टू। यदि इसकी जो वेलोसिटी मानी है वो वेलोसिटी मानी है अपन ने क्या यू वन यू टू, तो सी निर्देश तंत्र एल निर्देश तंत्र में यू वन यू टू यहाँ पे हो जाएगा टक्कर के बाद वी वन और वी टू, किसमें एल फ्रेम में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये वेलोसिटी किसमें है एल फ्रेम की है। ऐसे यदि मैं सी की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा यू वन डैश, ये हो जाएगा यू टू डैश, यहाँ हो जाएगा वी वन डैश और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी टू डैश, और ये कौन सी है सी फ्रेम की है, ये कौन सी हो जाएगी अपने पास सी फ्रेम की वेलोसिटी हो जाएगी। अब मुझे लिखना है कि यहाँ पे टक्कर से पूर्व जो द्रव्यमान केंद्र है उसका वेग कितना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि द्रव्यमान केंद्र का वेग यानी वी सी एम, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टक्कर से पूर्व जो द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा वो कितना होगा, तो लिख सकता हूँ मैं कि बिफोर कॉलिजियन सेंटर ऑफ मास इन वेलोसिटी या वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, तो ये वाली टर्म क्या आएगी अपने पास, तो ये वाली टर्म आ जाएगी अपने पास क्या, मुझे बताए कि यदि मैं वी सी एम की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ वी सी एम की, तो वी सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास एम वन, साथ में हो जाएगा अपने पास क्या यू वन प्लस का एम टू यू टू अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास एम वन प्लस का क्या हो जाएगा एम टू, ये वाली टर्म होगी। तो मुझे बताया कि जो इसका सेंटर ऑफ मास आता है वो ये आता है, तो वी सी एम इज इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू अपॉन में क्या हो जाएगा एम वन प्लस का एम टू। ऐसे यदि मैं दूसरे की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये तो क्या आ गया वी सी एम आ गया। अब मुझे पता है कि एक तो मेरे पास एल निर्देश तंत्र है, एक सी निर्देश तंत्र है, तो इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है, और रिलेशन क्या होता है कि यदि मैं एल निर्देश तंत्र और सी निर्देश तंत्र के बीच के संबंध की बात करूं, तो मैं लिख सकता हूं कि रिलेशन बिटवीन सी फ्रेम एंड एल फ्रेम, तो यहां पे हो जाएगा सी निर्देश तंत्र और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास एल निर्देश तंत्र, तथा एल निर्देश तंत्र में एल निर्देश तंत्र में निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, यदि मैं पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करता हूँ तो जनरली वो रिलेशन निकलता है यू वन डैश इज इक्वल टू यू माइनस का, यहाँ पे यू वन डैश मत लिखना, ओनली एक जनरल रिलेशन लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास यू वन डैश इज इक्वल टू यू माइनस का क्या आ जाएगा अपने पास वी सी एम। अब यहाँ पे ये तीनों टर्म क्या क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ कि यू वन डैश तो क्या है अपने पास सी निर्देश तंत्र में प्रथम पार्टिकल का वेग है, क्या है अपने पास सी निर्देश तंत्र में प्रथम पार्टिकल का वेग है। ऐसे यू है वो क्या है अपने पास एल निर्देश तंत्र में प्रथम पार्टिकल का वेग है, और जो वी सी एम है वो क्या है अपने पास द्रव्यमान केंद्र का वेग है, यानी एल निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र का वेग है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या क्या कि ये तीनों टर्म क्या क्या डिफाइन हो रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो यू वन डैश है वो तो क्या है अपने पास सी निर्देश तंत्र में कण का वेग, ये हो जाएगा। अब ये वन तो हटा देना, अपन जब अलग अलग पार्टिकल की बात करेंगे तब अपन वन और टू की बात करेंगे, अभी तो एक कॉमन रिलेशन है। ऐसे ही जो यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एल निर्देश तंत्र में कण का क्या हो जाएगा अपने पास वेग हो जाएगा। ऐसे मेरे पास जो वी सी एम आएगा, वी सी एम क्या हो जाएगा
द्रव्यमान केंद्र कौन से फ्रेम में, एल निर्देश तंत्र में, एल निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र का वेग, एल निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र का वेग, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास तीनों टर्म हो जाएगी u1 u डैश इज इक्वल टू u माइनस का vcm। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो टर्म आई है, कौन सी टर्म, ये वाली टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको अपन हर जगह यूज भी करेंगे। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि जैसे अपन ने यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि एक तो s निर्देश तंत्र होता है, एक s डैश होता है, तो s डैश का s के साथ ऐसा ही कुछ रिलेशन आता है कि अपने पास x डैश इज इक्वल टू या r डैश इज इक्वल टू r माइनस का वी सी एम या आर सी या ऐसे कुछ रिलेशन आता है। तो उसी के बेस पे मैंने ये रिलेशन भी बनाया हुआ है कि c निर्देश तंत्र और l निर्देश तंत्र के बीच का जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, u डैश इज इक्वल टू u माइनस का क्या हो जाएगा, वी सी एम हो जाएगा। ये तीनों टर्म डिफाइन हो जाएगी। अब मुझे देखना है कि इसमें ये जो प्रथम पार्टिकल का है, यदि मैं इसको प्रथम पार्टिकल के लिए डिफाइन करता हूँ, किसके लिए, फोर फर्स्ट पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रथम कण के लिए फोर फर्स्ट पार्टिकल तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास फर्स्ट पार्टिकल के लिए, ये बन जाएगा अपने पास क्या, प्रथम पार्टिकल के लिए बात करेंगे तो u1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास u1 माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास vcm। अब ये बात कर रहा हूँ मैं प्रथम कण के लिए टक्कर से पूर्व, किसकी बात कर रहे हैं, प्रथम कण के लिए टक्कर से पूर्व की बात कर रहे हैं। तो टक्कर से पूर्व जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो मुझे पता है कि यहाँ पे u1 डैश प्रथम कण का सी निर्देश तंत्र में वेलोसिटी है, u1 क्या है अपने पास प्रथम कण का एल निर्देश तंत्र में वेलोसिटी है, और vcm क्या है, द्रव्यमान केंद्र का वेग है एल निर्देश तंत्र में। यदि मैं इन सब की वैल्यू रखता हूँ, यदि मैं इन सब की वैल्यू रखता हूँ तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, तो देखो u1 डैश तो क्या रहेगा अपने पास, ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ कि जो u1 डैश है वो तो हो जाएगा ऐसे का ऐसे, u1 है वो ऐसे का ऐसे, और जो vcm है उसकी जगह वैल्यू रखनी है तो ये क्या हो जाएगा m1, यहाँ पे हो जाएगा v1, सॉरी टक्कर से पूर्व की बात करें तो ये क्या हो जाएगा u1 हो जाएगा। टक्कर से पूर्व की अपन ने देखो सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये vcm है वो क्या लिखा है m1 u1 u2, तो वो क्या है टक्कर से पूर्व का है, तो टक्कर से पूर्व का है टक्कर के बाद का होता तो v की टर्म में लिखते, तो ये क्या हो जाएगा u1 इज इक्वल टू माइनस का vcm हो जाएगा अपने पास m1 u1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का m2 u2, और अपॉन में हो जाएगा अपने पास क्या m1 प्लस का m2, और ये vcm की वैल्यू हो जाएगी। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो u1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास u1, ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, नीचे से LCM लेते हैं तो m1 प्लस का m2 माइनस का हो जाएगा अपने पास m1 u1 माइनस का हो जाएगा m2 u2, और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का m2, तो अपॉन में जो टर्म है वो क्या रह जाएगी m1 प्लस का m2। अब यदि इसको मैं और भी सॉल्व करता हूँ तो मल्टीप्लाई कर लो तो u1 m1 प्लस का क्या हो जाएगा u1 m2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का m1 u1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का m2 और u2, और अपॉन में जो टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास m1 प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास m2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का m1 और m2 हो जाएगा। अब इसमें देखो जो टर्म है उसमें कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है क्या, तो यहाँ पे देखो जो जो टर्म है वो क्या हो जाएगी अपने पास u1 और m1, m1 और u1 ये वाली टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। यदि ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होती है तो ये वाली टर्म क्या मिलेगी मुझे, तो अपने पास देखो जो टर्म बच गई m2 टू यहाँ भी है और m2 टू यहाँ भी है, तो u1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं m2 टू अपॉन में m1 प्लस का m2 क्या ले लेता हूँ बाहर ले लेता हूँ, तो ये वाली टर्म हो गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा u1 माइनस का क्या बचेगा अपने पास u2 बचेगा, ये वाली टर्म बचेगी, यानी क्या बचेगा अपने पास u1 माइनस का u2 बचेगा। यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर देता हूँ स्टार्टिंग से, तो इक्वेशन नंबर देख लो कौन कौन से दोगे, सबसे पहले तो हो जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर एक तो दे दोगे फर्स्ट, ये वाली जो अपन ने एक बेसिक इक्वेशन बनाई है ये वाली एल निर्देश तंत्र और सी निर्देश तंत्र में रिलेशन। सेकंड जो इक्वेशन दोगे वो क्या हो जाएगी अपने पास, तो वो हो जाएगी अपने पास क्या जो मैंने ये वाली टर्म निकाली है ये हो जाएगी, ठीक है। ये तो क्या निकाला अपन ने, प्रथम कण का सी निर्देश तंत्र में क्या निकाला उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली, तो ये वाली टर्म क्या डिफाइन कर रही है यू वन डैश, यू वन डैश क्या था सी निर्देश तंत्र में प्रथम कण का वेग है, तो मैं लिख सकता हूँ यह समीकरण सी निर्देश तंत्र में
सी निर्देश तंत्र में प्रथम कण का वेग है। सी निर्देश तंत्र में प्रथम कण का वेग है। एज इट इज में क्या करूंगा, सेकंड की निकालूंगा, तो सेकंड क्या है अपने पास यू टू डैश, तो यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास जो सेकंड वाली टर्म है वो हो जाएगी अपने पास यू टू डैश, यानी मैं लिख सकता हूं कि यहां पे क्या हो जाएगा द्वितीय कण के लिए और द्वितीय कण के लिए क्या हो जाएगा अपने पास यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ये रिलेशन आ जाएगा यू टू डैश इज इक्वल टू यू टू माइनस का क्या हो जाएगा बी सी एम, तो यू टू डैश तो अपने पास ऐसे का ऐसे इज इक्वल टू यू टू भी ऐसे का ऐसे, ये टर्म हो जाएगी अपने पास एम वन यू वन प्लस का हो जाएगा एम टू यू टू और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास एम वन प्लस का क्या हो जाएगा एम टू हो जाएगा। क्लियर। यदि मैं इसको ऑल भी सॉल्व करता हूँ तो जैसे अपन ने फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया एज इट इज वैसे ही अपने पास सेकेंड टर्म सॉल्व होगी, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास यू टू डैश इज इक्वल टू यू टू यहाँ पे हो जाएगा एम वन प्लस का हो जाएगा एम टू और माइनस का हो जाएगा अपने पास एम वन यू वन माइनस का क्या हो जाएगा एम टू यू टू और अपॉन में क्या हो जाएगा इसमें एम वन प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास एम टू हो जाएगा। यदि इन सबका मल्टीप्लाई करता हूँ तो यू टू डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम वन यू टू प्लस हो जाएगा अपने पास एम टू यू टू और फिर हो जाएगा अपने पास माइनस का एम वन यू वन और माइनस का हो जाएगा एम टू यू टू अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास एम वन प्लस का हो जाएगा एम टू। क्लियर। अब यहाँ से देखो कि जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट कर दो, तो एम वन यू टू कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, कैंसिल क्या हो रहा है एम टू से यू टू हो रहा है, तो यहाँ पे टर्म क्या बचेगी अपने पास यू टू डैश इज इक्वल टू, देखो एम वन दोनों में है तो मैं एम वन कॉमन ले सकता हूँ, अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास एम वन प्लस का एम टू और यहाँ पे जो टर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगा यू टू माइनस का क्या हो जाएगा यू वन। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड, यानी ये समीकरण किसका आया है सी निर्देश तंत्र में द्वितीय कण का वेग आया है। क्या आया है अपने पास सी निर्देश तंत्र में द्वितीय कण का वेग आया है, तो अपने पास ऊपर जो आई थी वो सी निर्देश तंत्र में फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी थी, अभी जो आया है वो क्या आया है सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी आई है, तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ कि अपने पास ये वाली जो टर्म है वो क्या शो कर रही है यहाँ पर, यह समीकरण सी निर्देश तंत्र में सी निर्देश तंत्र में द्वितीय कण का वेग है, सी निर्देश तंत्र में द्वितीय कण का वेग है, यह समीकरण सी निर्देश तंत्र में द्वितीय कण के वेग को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, अब देखो मुझे पता है कि मैंने क्या निकाला सी निर्देश तंत्र में पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल ली फर्स्ट पार्टिकल की सेकंड पार्टिकल की टक्कर से पहले की। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ मैं मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या लगाता हूँ मैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो यदि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा तो क्या लगेगा यहाँ पे संवेग संरक्षण के नियम से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास संवेग संरक्षण नियम से तो संवेग संरक्षण नियम से अपने पास जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, मुझे बताए कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है एम वन यू वन प्लस का होता है एम टू यू टू इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एम वन वी वन प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास एम टू वी टू, ये क्या होता है अपने पास संवेग संरक्षण नियम होता है। बट मुझे ये संवेग संरक्षण किस में लिखना है, ये तो होगा किस में एल फ्रेम में, ये तो किस में होगा अपने पास एल फ्रेम में और मुझे लिखना है किस में सी फ्रेम में, तो ये क्या हो जाएगा एम वन यू वन डैश प्लस का हो जाएगा एम टू यू टू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एम वन वी वन डैश प्लस का हो जाएगा अपने पास एम टू और वी टू डैश और ये किस में हो जाएगा सी फ्रेम में, किस में हो जाएगा सी फ्रेम में। अब मुझे बताया कि मुझे जो भी कैलकुलेट करना है जो भी टक्कर पड़ रहे हैं वो कहाँ पर पड़ रहे हैं सी निर्देश तंत्र में पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं सी निर्देश तंत्र में, तो सी निर्देश तंत्र में जब भी अपन टक्कर पढ़ रहे हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि सी निर्देश तंत्र में टक्कर पड़ती है, यानी यहाँ पे मैं इस वाले टर्म की यानी प्रारंभिक संवेग की बात कर सकता हूँ, क्यों यू वन डैश की वैल्यू है मेरे पास और यू टू डैश की भी क्या है मेरे पास वैल्यू है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि यू वन डैश और यू टू डैश क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इनिशियल यानी प्रारंभिक संवेग की, किसकी बात करता हूँ इनिशियल मोमेंटम की, कि प्रारंभिक संवेग की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास प्रारंभिक संवेग है वो m1 u1 डैश प्लस का क्या है अपने पास m2 और
यू टू डेंस, क्या रखनी है मुझे इन दोनों की जगह वैल्यू रखनी है, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे जो प्रारंभिक संवेग आएगा वो एम वन तो ऐसे का ऐसे। अब यहाँ पे देखो यू वन डैश की वैल्यू निकालनी है, तो यू वन डैश कहाँ था अपना, तो यू वन डैश अपन ने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी कहाँ पर, एम टू बाय एम वन प्लस एम टू, यू वन माइनस का क्या था यू टू था, यानी एम टू ऊपर था एम वन एम टू नीचे था और यू वन माइनस का यू टू, तो मैं इसके लिख सकता हूँ वहाँ पर वैल्यू रख सकता हूँ क्या कि ये तो हो जाएगा M1 और यहाँ पे जो U1 डैश है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी M2, ये वाली वैल्यू हो जाएगी M2 अपॉन में M1 प्लस का M2, ये वाली टर्म हो जाएगी कैसे, और U1 डैश की जगह और क्या था साथ में, ये वाली जो टर्म थी वो क्या थी अपने पास U1 माइनस का U2 था, क्या था अपने पास U1 माइनस का U2 था, क्लियर। ऐसे अपने पास जो सेकेंड टर्म है वो क्या है अपने पास M2 है, U2 डैश की वैल्यू अपने पास है ही, तो वो वैल्यू क्या है अपने पास, वो वैल्यू हो जाएगी अपने पास m1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस का m2, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास u2 माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास u1 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यदि मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ, क्या करता हूँ इसको मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, तो ये वाली जो टर्म आएगी वो देखो m1 m2, तो ये तो हो जाएगा m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का m2। ऐसे ही अपने पास ये वाली टर्म हो जाएगी u1 माइनस का क्या हो जाएगा u2 हो जाएगा, एज इट इज अपने पास ये वाली टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी m1 m2 और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का m2, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी u2 माइनस का u1। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में पूरी टर्म ये कॉमन आ रही है कि m1 m2 अपॉन में क्या कॉमन आ जाएगा m1 प्लस का m2, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी u1 माइनस का u2, साथ में हो जाएगा प्लस का u2 माइनस का u1। तो देखो इसमें क्या आ गया, U1 से U1 कैंसल आउट, एक प्लस था एक माइनस था, U2 से U2 कैंसल आउट, यानी क्या हो जाएगा ये कंप्लीट टर्म कितनी जीरो, यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो प्रारंभिक संवेग आया किस में C निर्देश तंत्र में वो कितना आया जीरो आया, और अपन ने पढ़ा भी था कि C निर्देश तंत्र को जीरो मोमेंटम बोला जाता है, और जीरो मोमेंटम का मतलब उसमें जो VCM होता है वो क्या होता है जीरो होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे जो प्रारंभिक संवेग आ रहा है वेलोसिटी जीरो होने के कारण इसका जो संवेग आएगा वो भी कितना होएगा जीरो आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि सी निर्देश तंत्र में क्या लिख सकता हूँ कि सी निर्देश तंत्र में, यानी अपने पास ये वाली वैल्यू निकली है कि प्रारंभिक संवेग क्या था अपने पास एम वन यू वन डैश प्लस का क्या था अपने पास एम टू यू टू डैश इज इक्वल टू कितना आ गया जीरो आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास जीरो आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि प्रारंभिक संवेग सी निर्देश तंत्र में कितना होता है जीरो होता है, तो लिख सकता हूँ कि सी निर्देश तंत्र में प्रारंभिक संवेग कितना होगा जीरो होगा, क्लियर। अब यहाँ से यदि मैं कहता हूँ कि इसका प्रारंभिक संवेग जीरो आ चुका है तो क्या इसका फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो गया का, तो बिल्कुल इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो भी जीरो होगा। मुझे पता है कि संवेग कंजर्वेशन यानी प्रत्यास्थ टक्कर है, और प्रत्यास्थ टक्कर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रूल्स फॉलो होता है, और जब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रूल्स फॉलो होगा यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जीरो आया है तो इसका फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा जीरो होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि एम वन वी वन डैश प्लस का हो जाएगा m2 v2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो c निर्देश तंत्र में इसका भी अंतिम संवेग भी क्या होगा जीरो होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि c निर्देश तंत्र में अंतिम संवेग भी क्या होगा, अंतिम संवेग भी कितना होगा शून्य होगा, अंतिम संवेग भी कितना माना जाएगा शून्य माना जाएगा, क्लियर। अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये तो अपन ने किसकी बात की, अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि अपने पास यदि कोई सी निर्देश तंत्र में बात करते हैं तो इसका प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग किसके इक्वल प्राप्त होता है जीरो के इक्वल प्राप्त होता है। तो इन दोनों इक्वेशन से ये क्लियर है कि इसको इक्वेशन ए दे देना इसको इक्वेशन बी दे देना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सी निर्देश तंत्र में संवेग शून्य होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है शून्य संवेग निर्देश तंत्र बोला जाता है, जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। तो इसमें मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जीरो इसका संवेग है वो शून्य होने के कारण क्या इसका संवेग शून्य होने के कारण
इसका संवेग शून्य होने के कारण इसको द्रव्यमान केंद्र, इसको शून्य संवेग निर्देश तंत्र कहा जाता है, शून्य संवेग निर्देश तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो वो यहाँ से क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्लियर। तो ये तो अपन ने बात की किसकी? जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब आगे बात करते हैं मैं इसकी, यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं इसकी? काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आप सी निर्देश तंत्र में लिख सकते हो। वो क्या आएगा? गतिज ऊर्जा संरक्षण से किसमें? सी फ्रेम में। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? तो ये हो जाएगा एम वन यू वन डैश का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा एम टू यू टू डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम वन वी वन डैश का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा एम टू वी टू डैश का स्क्वायर। क्लियर। यानी काइनेटिक एनर्जी का यदि मैं रिलेशन की बात करूँ तो ये आएगा। और मुझे पता है कि यहाँ पे मैं जो अपने पास ये वाला ए और बी इक्वेशन आया है यहाँ से मैं कुछ वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये वैल्यू क्या आएगी? देखो अपने पास दो रिलेशन आए, कौन कौन से? एक तो आया अपने पास काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियल मोमेंटम की बात की, तो प्रारंभिक संवेग से दो रिलेशन आए। तो वो रिलेशन कौन कौन सा आया? तो उसको मैं लिख सकता हूँ क्या? एम वन, साथ में क्या आया अपने पास जो रिलेशन आया वो आया यू वन डैश प्लस का एम टू यू टू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? यू वन डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यू वन डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का एम टू अपॉन में एम वन और साथ में क्या हो जाएगा? यू टू डैश। कहाँ से निकाली ये वाली वैल्यू? प्रारंभिक संवेग से, इनिशियल मोमेंटम से। ऐसे यदि फाइनल की वैल्यू निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगी? एम वन वी वन डैश प्लस का हो जाएगा एम टू वी टू डैश इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। और यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ किसकी? प्रथम पार्टिकल की। तो प्रथम पार्टिकल क्या हो जाएगा? वी वन डैश इज इक्वल टू माइनस का एम टू अपॉन में एम वन और साथ में क्या हो जाएगा? वी टू डैश। एक वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ये वाली। अब देखो मेरे पास यदि मैं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की बात करता हूँ या गतिज ऊर्जा में पूरे रिलेशन की बात करता हूँ, तो यू वन डैश की वैल्यू मैंने निकाल दी है और वी वन डैश की वैल्यू भी मैंने निकाल दी है। आप चाहो तो आप यू टू डैश की भी निकाल सकते हो, वी टू डैश की भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैं यदि ये दोनों वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रखता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया थर्ड, कि गतिज ऊर्जा संरक्षण में यदि मैं ये वाली वैल्यू रखता हूँ तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी और ये वाला रिलेशन क्या रिजल्ट देगा? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एम वन तो ऐसे का ऐसे, यू वन डैश की जगह मुझे क्या करना है? एम टू अपॉन में हो जाएगा एम वन माइनस में और यहाँ पे हो जाएगा यू टू डैश का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। प्लस का हो जाएगा अपने पास एम टू, फिर हो जाएगा अपने पास यू टू डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? एम वन और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का एम टू अपॉन में एम वन और साथ में हो जाएगा वी टू डैश का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा अपने पास एम टू और वी टू डैश का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे ये टर्म बनेगी क्या? एम वन एम टू स्क्वायर अपॉन में एम वन स्क्वायर साथ में हो जाएगा यू टू डैश का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास एम टू यू टू डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? एम वन एम टू का स्क्वायर अपॉन में एम वन का स्क्वायर साथ में हो जाएगा वी टू डैश का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास? एम टू वी टू डैश का स्क्वायर। ये वाली टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे यदि मैं इन टर्म को, दोनों टर्म को क्या करता हूँ? सॉल्व करता हूँ। तो ये वाली टर्म होगी, देखो एम वन से एम वन कैंसिल आउट, तो रिजल्ट रह गया एम टू स्क्वायर अपॉन में एम वन साथ में हो जाएगा यू टू डैश का स्क्वायर। क्लियर। प्लस यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी अपने पास एम टू और साथ में हो जाएगा यू टू डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एम वन से एम वन कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा एम टू डैश का स्क्वायर अपॉन में एम वन वी टू डैश का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा? एम टू और वी टू डैश का स्क्वायर। क्लियर। ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे पता है कि यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखो यहाँ पे यू टू डैश है तो यहाँ से यू टू डैश में इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो यदि यू टू डैश यहाँ से कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा? एम टू का स्क्वायर अपॉन में एम वन प्लस का हो जाएगा एम टू। क्लियर। ऐसे में यहाँ से क्या कॉमन लिख सकता हूँ? वी टू डैश कॉमन लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? एम टू का स्क्वायर अपॉन में एम वन प्लस का क्या हो जाएगा? एम टू। क्लियर। अब देखो यहाँ से एम टू का स्क्वायर अपॉन में एम वन प्लस एम टू और यहाँ से ये वाली टर्म, दोनों साइड क्या है अपने पास? इक्वल है। और यदि ये दोनों टर्म इक्वल है तो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। तो यहाँ से अपने पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, यू टू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी टू डैश।
क्या रिजल्ट मिलेगा, यू टू डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, बी टू डैश। तो ये रिजल्ट क्या बताता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला रिजल्ट क्या बताता है, तो ये वाला रिजल्ट है अपने पास यू टू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा बी टू डैश, क्लियर। और स्क्वायर की टर्म में ये कॉमन आएगा, तो स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हो, स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हो, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और यदि मैं कहता हूँ कि स्क्वायर में यदि ये दोनों टर्म इक्वल है, और यदि ये दोनों टर्म इक्वल होती है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यू टू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टू डैश, क्लियर। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि यदि मैं सी निर्देश तंत्र में कोई भी दो पार्टिकल की टक्कर करवाता हूँ, सी निर्देश तंत्र में यदि मैं कोई भी दो पार्टिकल की टक्कर करवाता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे यू टू डैश इज इक्वल टू क्या है अपने पास, वी टू डैश। तो यहाँ पे जो भी अपना रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या मिलेगा कि यू टू डैश इज इक्वल टू वी टू डैश। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि यदि कोई पार्टिकल आपस में सम्मुख प्रत्यास टक्कर करते हैं, तो यहाँ पे द्वितीय कण का एल निर्देश तंत्र में वेग, यानी ये क्या है, द्वितीय कण का सी निर्देश तंत्र में वेग, ऐसे अपने पास ये क्या है v2 डैश, ये है अपने पास, ये देखो ये द्वितीय कण का सी निर्देश तंत्र में वेग कौन सा, टक्कर से पहले का, यानी ये क्या है टक्कर से किसका, पूर्व का। और ये है अपने पास क्या, सी निर्देश तंत्र में ये क्या हो जाएगा अपने पास, सी निर्देश तंत्र में, देखो ये आपको शायद लैंग्वेज पता नहीं लगी होगी, कर्सिव में आ गया थोड़ा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये वाले जो पार्टिकल है वो क्या क्या है अपने पास, तो मैं लिख सकता हूँ कि यू टू डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास, वी टू डैश, एक रिजल्ट तो ये है। इसी प्रकार में अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो लिख सकते हो कि यू टू डैश क्या है, सी निर्देश तंत्र में द्वितीय कण का टक्कर से पहले का वेग है, और वी टू डैश है वो क्या है, सी निर्देश तंत्र में द्वितीय कण का टक्कर के बाद का वेग है, और दोनों का वेग क्या रहता है, इक्वल रहता है। इसी प्रकार यदि मैं प्रथम कण का निकालता, सेम एज इट इज, यदि मैं क्या निकालता, प्रथम कण का निकालता, तो वो वैल्यू भी क्या आती अपने पास, वो वाली वैल्यू आती यू वन डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन डैश का स्क्वायर, और ये भी क्या बन जाता अपने पास, ये वाली भी टर्म बन जाती यू वन डैश इज इक्वल टू क्या बन जाता, वी वन डैश। तो अपना कंप्लीट ये रिजल्ट मिलता। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि टक्कर से पूर्व प्रथम कण का वेग सी निर्देश तंत्र में, टक्कर के बाद सी निर्देश तंत्र में प्रथम कण का वेग इक्वल रहता है, ऐसे ही टक्कर से पूर्व द्वितीय कण का वेग सी निर्देश तंत्र में, और टक्कर के बाद का सी निर्देश तंत्र में द्वितीय कण का वेग क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला है, इन दोनों से ये रिजल्ट निकला है कि दोनों से स्पष्ट है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इससे स्पष्ट है कि सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व प्रथम कण का वेग प्रथम कण के वेग के बराबर होता है, ठीक है। एज इट इज आप सेकेंड के लिए भी लिख सकते हो कि यहाँ से ये मैंने रिलेशन लिखा है कि प्रथम कण का लिखा है, यानी यू वन डैश इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, वी वन डैश। एज इट इज आप सेकेंड के लिए भी लिख सकते हो कि सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व द्वितीय कण का वेग टक्कर के बाद द्वितीय कण के वेग के इक्वल रहता है, यानी फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी इन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन इन फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी इन सी फ्रेम। तो मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन सी फ्रेम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन सी फ्रेम, और वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंड पार्टिकल इन सी फ्रेम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल इज इक्वल टू सी फ्रेम। तो यहाँ से अपन ने ये वाला डेरिवेशन किया, तो यहाँ से मुझे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला, ये दोनों रिजल्ट, कि जब भी मैं सी निर्देश तंत्र में दो पार्टिकल की प्रत्यक्ष टक्कर या सम्मुख प्रत्यक्ष टक्कर करवाता हूँ, तो इससे जो भी रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट ये मिलता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटी प्रथम कण की और द्वितीय कण की वेलोसिटी क्या रहती है, इक्वल रहती है।
तो ये तो अपने बात की सी निर्देश तंत्र में यदि कोई दो पार्टिकल की टक्कर करवाई जाए तो उसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, तो इसको अपन ने मैथमेटिकल डेरिवेशन के रूप में इसका रिजल्ट प्रूफ किया है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, यहाँ पे अपना था ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आगे अब कॉलिजन में अपन को दो तीन कॉलिजन और पढ़ने हैं, जिसमें अलग अलग कॉलिजन सी फ्रेम में एल फ्रेम में कुछ पार्टिकल चिपक जाते हैं, कुछ अप्रत्याश टक्कर होती है, उन सारों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।